हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा और आपने ट्यून किया है प्रतिभा सिंह क्रिएशंस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके लिए साड़ी रीयूज आइडिया लेकर आती रहती हूँ, आज भी मैं आपके लिए साड़ी रीयूज आइडिया ही लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सितारों वाली साड़ी का रीयूज। ये जो सितारों वाली साड़ी आती है, ये काफ़ी पहले चलती थी, जो कि अब नहीं चलती और जिसका कि अब फैशन आउट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने उसी सितारे वाली साड़ी का रीयूज किया है। ये जो मेरे पास सितारों वाली साड़ी थी, ये काफ़ी पुरानी साड़ी थी, तो मैंने उस साड़ी से बनाया है दुपट्टा और सरारा। और पूरी साड़ी तो उसी में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसके लिए कुर्ती अलग से बाई की है। आपको दिखाती हूँ कि वो ड्रेस मैंने किस तरह से बनाई है। ये देखिए, कुछ इस तरह की साड़ी थी। ये ऊपर से प्लेन साड़ी थी और ये नीचे से पूरी इस तरह की साड़ी थी। तो मैंने इसका बनाया है सरारा। ये देखें, ये मैंने इसका सरारा बनाया है। ये मैंने दोनों साइड से इलास्टिक वाला ही बनाया है, ये इसलिए कि मैं इनमें काफ़ी कंफर्ट रहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई सरारा बनाएं तो उसके आगे और पीछे इलास्टिक ही लगाएं, इसमें आप काफ़ी कंफर्ट रहती हैं। और ये जो बॉर्डर था, ये साड़ी के चारों तरफ बॉर्डर था। आप सरारे को नाड़े वाला भी बना सकते हो, तो ये भी काफ़ी कंफर्ट रहता है। ये देखिए, वो जो मैंने इसके नीचे अस्तर लगाया, ये मैंने इस साड़ी के जो नीचे पेटीकोट था ब्लैक कलर का, वही मैंने इसमें अस्तर लगा दिया है। ये देखिए, ये मैंने पेटीकोट का ही अस्तर बना दिया है। अब मैं इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। ये इसका दुपट्टा है। ये देखिए, ये कितना अच्छा दुपट्टा बनकर तैयार हुआ है। जो साड़ी के चारों तरफ बॉर्डर था, तो मैंने दुपट्टे में लगा दिया चारों तरफ। ये देखिए, और इस तरह का डिजाइन था, ये पल्लू में भी था। तो जब मैंने ये दुपट्टा बनाया, तो मैंने उस दुपट्टे में से ये वाला डिजाइन हटा दिया। ये देखिए, तो ये फिर मैंने इसमें ये वाला डिजाइन ही रखा है। जो मुझे ज़्यादा सीक्वेंस वाला डिजाइन था, वो मैंने हटा दिया, तो मैंने इसमें ये बीच वाला डिजाइन ही रखा है। और ये जो साड़ी का बॉर्डर था, ये मैंने दुपट्टे के चारों तरफ लगा दिया। इससे दुपट्टे की चौड़ाई थोड़ी कम तो हो गई, बाकी ये अच्छा दुपट्टा निकला है। ये देखिए, कितना अच्छा दुपट्टा निकला है। और इसकी लंबाई पूरी है, ये देखिए। इस दुपट्टे को मैं रेड कलर के सूट के साथ भी वेयर करती हूँ, तो ये काफी अच्छा लगता है। किसी भी सूट के ऊपर डाल सकते हैं इस दुपट्टे को, तो ये इस पर काफी अच्छा लगेगा। ये देखिए, काफी सुंदर दुपट्टा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कुर्ती की, कि इसके ऊपर क्या कुर्ती पहने। तो ये जो ब्लैक कलर था, तो मैंने इसके ऊपर रेड कलर की कुर्ती बनाई है। ये जो साड़ी का बॉर्डर था, उसमें रेड कलर का डिजाइन था, तो मैंने उसी से मैचिंग ये रेड कलर की कुर्ती बनाई है। ये देखिए, ये मैंने कुर्ती को बिल्कुल ही प्लेन में बनाया है। और इसके साथ ही इसके गले के चारों तरफ ये पाइपिंग लगाई है, ब्लैक कलर की पाइपिंग लगाई है, इसी को टच देते हुए। और ये हाफ स्लीव्स बनाई है, इसमें भी मैंने पाइपिंग लगाई है। और पीछे से ये मटकी वाला गला बनाया, इसमें भी मैंने ब्लैक कलर का ही पाइपिंग लगाई है। और मैंने नीचे कोई पाइपिंग नहीं लगाई, इसे मैंने नीचे से बिल्कुल प्लेन ही रखा है। और इसमें भी मैंने नीचे अस्तर लगाया, इसलिए कि ये थोड़ा सिल्क का फैब्रिक था, तो मैंने इसमें भी नीचे ये अस्तर ही लगाया। ये देखिए, इसमें भी मैंने कॉटन का ही अस्तर लगाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई सितारों वाली साड़ी रखी है, तो आप भी उसका रीयूज कर सकती हैं और अपनी नई ड्रेस बना सकती हैं। आप इसका सरारे की जगह प्लाजो भी बना सकती हैं और पैंट भी बना सकती हैं। बस उसमें से पैंट में से आपको बॉर्डर हटाना पड़ेगा,
बाकी प्लाजो में तो बॉर्डर एडजस्ट हो जाएगा, आप उसमें से बॉर्डर, आप प्लाजो में बॉर्डर लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको अपनी दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ। वो जो मेरी साड़ी थी वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो मैंने उसमें से एक साड़ी में से दो ड्रेस बनाई है, एक मैंने अपनी ड्रेस बनाई है और दूसरी ड्रेस मैंने अपने बेटे की बनाई है। तो जो उस साड़ी की एक ड्रेस थी वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो कहा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो मैं अब आपको अपने बेटे की ही ड्रेस दिखाऊँगी। हाँ मैं अपनी उस ड्रेस की पिक आपको दिखा दूँगी कि आपको वो ड्रेस याद आ जाए। ये देखिए वो उस साड़ी में से ये मैंने 100 ड्रेस बनाई थी। ये मैंने सामने से पान की सेब में गला बनाया है और पीछे से डीप राउंड नेक, और इसके साथ ही ये मैंने फ्रिल वाली स्लीव्स बनाई है, ये मैंने पोनी स्लीव्स बनाई है, ये 100 ड्रेस बनाई है। ये देखिए ये मैंने पोनी स्लीव्स बनाई है और इसे यहाँ से चुन्नट देते हुए ये इसकी फ्रॉक बनाई। ये देखिए ये 100 ड्रेस कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। ये देखिए और इसके साथ ही मैंने नीचे ये इसमें लेस लगाई है और इसमें मैंने इसके नीचे कॉटन का इसके नीचे मैंने सिल्क का अस्तर लगाया, वो भी काफी अच्छे वाला अस्तर लगाया और इसे चारों तरफ प्लीट्स देते हुए बनाया है। ये देखिए और इस तरह से ये 100 ड्रेस काफी सुंदर बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितने सुंदर कैजुअल गर्मी में पहनने के लिए काफी सुंदर ड्रेस बनी है। अगर आपके पास भी कोई डेली वेयर साड़ी पड़ी है तो आप उसमें से ये ड्रेस आराम से बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये अपनी 3 ड्रेस दिखाई। आपको मेरी तीनों ड्रेस कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना, जिससे कि वे भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।